जैन फ्रेंड्स कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ये लेक्चर नंबर 7 है और जैसा कि मैं बताया था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टोटल 7 लेक्चर प्रोवाइड की जाएगी। इस तरह से हमने 6 लेक्चर अच्छी तरह से पढ़ लिया। हालांकि पढ़ाने के लिए तो और सारी बातें पढ़ाई जा सकती है सर्कुलर परम्यूटेशन के बारे में, बट ये नेसेसरी है, इतना तो करके ही जाना कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने के लिए मोर देन इनफ मैंने बता रखा है। चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। आज क्लास के स्पेशल यहाँ पे एक रैंक निकालना सीखोगे, सम ऑफ डिजिट निकालना सीखोगे और एक दो कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल से रिलेटेड, वो सीखोगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने डिफरेंट एग्जाम से लिया है और एक दो क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चंस। और कुछ कॉन्सेप्ट है वो भी बतलाया जाएगा, जैसे सम ऑफ डिजिट हो गया, रैंक निकालना हो गया, और टोटल 12 क्वेश्चंस अलग से मैं भी कराऊंगा। ये आज की क्लास का स्पेशलिटी हो गया ना। इंतजार तो कीजिए, नहीं तो आप सॉन्ग करोगे ना। इम्तिहान हो गई, चलते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कह सकते हैं, ये दीक्षा रैंक निकालना सीखेंगे। ये क्वेश्चन से यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये एन सी, अगर यहाँ पे एक्स लिखा हुआ था, अगर इक्वल टू एन सी वाई है ना, तो इट मीन्स एन इक्वल टू एक्स प्लस y, ये कॉन्सेप्ट था। देखो तो ये लिखा हुआ एक्चुअली में ये 1 ऊपर में होगा, तो एन सी 10 इक्वल टू एन सी 12, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 22, तो इस तरह से 22 पे टिक मार लो। खुशी जब भी तेरी, ये क्वेश्चन बनाने से खुशी मिल रही है ना। इस तरह से क्वेश्चंस और सारा लेटर वाला क्वेश्चन है ये, तो ये भी क्वेश्चन कराया जाएगा। बट ये सबसे पहले मैं दो कॉन्सेप्ट बतला दूं आपको। किधर गया यहाँ, ये एक सम ऑफ डिजिट से रिलेटेड, सबसे पहले मैं ये बतला देता हूँ सम ऑफ डिजिट से रिलेटेड। जरा बतलाइएगा हाँ बतलाइएगा। अगर आपके पास 21 लिखा हुआ है तो इससे क्या समझते हो? इससे समझना है 2 × 10 + 1। अगर आपके पास 1, 2, 3 लिखा हुआ, 1, 2 का 4, वैसे नहीं, 4, 2 का 1, मैंने निज लखन, इस तरह से एक्सपेंशन कर सकते हो ना। अगर हम इसी को अगर ए बी लिख दे तो ए बी से क्या समझता है, ए इंटू 10 + b × 1। अगर आपके पास ए बी सी लिखा हुआ है, इससे क्या समझोगे, ए इंटू 100। अब बोलोगे ये क्या सिखला रहे हैं, देखो भाई कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में समय तो लगेगा, सी इंटू 1 ना, ये समझना है सबसे पहले। सम ऑफ डिजिट, ये जो क्वेश्चंस आते हैं सम ऑफ डिजिट कहने का मतलब 1, 2, 5 से जितना भी डिजिट बनेगा, जितना भी नंबर बनेगा 3 डिजिट का, उसका सम क्या होगा, सम ऑफ ऑल द नंबर फॉर्म्स यूजिंग ऑल द 3 डिजिट एट अ टाइम। जैसे 1, 2, 5 निकाले, और तरह भी डिजिट बनेगा, 1, 5, 2 निकाले, इस तरह से जितना भी अंक बनेगा, नंबर बनेगा, वो सबका सम कितना, यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला बेसिस पे पढ़ाई करना है, बट थोड़ी देर बाद। अगर 1 डिजिट नहीं, 2 डिजिट का बात करते हैं, 2 डिजिट का, 2 डिजिट का बात करते हैं। अगर कोई ए और बी से मिलके बन रहा है, तो कौन कौन संख्या बनेगा, या तो ए बी बनेगा, नहीं तो बी ए बनेगा, यही ना बनेगा। ए और बी कहने का क्या मतलब, बतलाइए। ए और बी कहने का मतलब ये हुआ ए इंटू 10 + b, और ये हुआ b × 10 + a।
ऐसे करके आप ऐड करोगे, ऐसे करके जैसे ही ऐड करोगे, जैसे ही ऐड करोगे तो ये क्या हो गया, दोनों अंक दोनों नंबर का सम ए बी प्लस बी ए, मतलब जो भी नंबर बना है उसका सम ऑफ नंबर, इसको सम करोगे तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी, और ये 10 कॉमन, यहां भी 10 था यहां भी 10 था, तो दोनों का 10 कॉमन लिए ए प्लस बी और इसमें ए प्लस बी। नेक्स्ट स्टेप में आप देखो तो ये क्या ए प्लस बी इंटू 10 प्लस 1 कितना होगा 11। बोलोगे जल्दी से फॉर्मूला बताइए और आगे बढ़िए, इतनी समय नहीं है मेरे पास ये। ओके, अगर इस तरह से हम थ्री डिजिट का कोई नंबर बनाते हैं, थ्री डिजिट का नंबर, अब ये मत बोलना सर फाइव डिजिट का नंबर, जैसे कोई ए बी और सी, ए बी सी से थ्री डिजिट का नंबर बनाना है। कहने का मतलब कोई भी डिजिट ए इक्वल टू कोई भी डिजिट दिया रहेगा, जैसे 1, 2 और 3 का यूज करके संख्या बनाना है, नंबर बनाना है, और नंबर बनाने के साथ साथ सारे का सारे संख्या का ऐड भी करना, एडिशन बताना। क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं मैं एक क्वेश्चंस दिखला दूं आपको, इस तरह से कंप्यूट मतलब फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर विच कैन बी फॉर्म विद द 4 डिजिट 1357। यही 4 अंक का यूज करके नंबर बनाना है और उसका सम बतलाना है, सम कितना होगा, क्या बतलाना है, सम बतलाना। ठीक, थ्री वाला को देखते हैं कैसे बनेगा। पहला संख्या होगा ए बी सी, सही है, दूसरा संख्या ए सी बी, तीसरा संख्या बी को फिक्स रखिए, उसके बाद ए सी रखिए, बी को फिक्स रखिए, सी ए लिखिए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सी को फिक्स रखिए, ए बी लिखिए, और सी को फिक्स रखिए, बी ए लिखिए। अगर 3 डिजिट है तो टोटल परमुटेशन कितना होगा, 3 का फैक्टोरियल यानी 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनेगा। अब इसका क्या निकालना है, इसका सम निकालना है, सम। ये जो टोटल नंबर निकाला गया है इसका सम निकालना है, ये सम ऑफ ऑल नंबर। लोग ये कैसा बात है, रुको मैथमेटिक्स का थोड़ा इस्तेमाल किया जाए। ये एक्चुअली में ए बी सी कहने का क्या मतलब, ए इंटू 100 लिखा हुआ प्लस बी इंटू 10 लिखा हुआ है और ये सी लिखा हुआ है, थोड़ा स्पेस पे लिख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है ना। ये ए इंटू 100 लिखा हुआ है, ये सी इंटू 10 लिखा हुआ है और ये बी लिखा हुआ है। इसी तरह से आप जल्दी जल्दी लिखो जरा, बोलोगे पेन चेंज करके लिखिए जरा। देखो तो इतना मेरे साथ पढ़ रहे हो आप, ध्यान से लेक्चर देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं डाउट आ ही रहा होगा। अगर कहीं डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और विश्वास कीजिए मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा और उसका जो भी डाउट होगा मैं वो सॉल्व कर दूंगा। डाउट नहीं है तो मित्रता बढ़ाने के लिए कमेंट कर सकते हो। यहाँ ए देखो, ये एक्सपेंड कैसे, क्योंकि ये एक्सपेंड करने से सम करने में परेशानी नहीं होगा और सम अच्छे से हो जाएगा। इसमें क्या है, 100 कौन सा कलर, देखो ब्लैक कलर से लिख लेते हैं। देखो ए बी सी, ये ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना बार आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कितना बार आ रहा है, देखो एक बार और आ रहा है, ये आ रहा है, हाईलाइट कर देते हैं, ए बी और सी दोबारा आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स कर लेंगे। ठीक, इसमें भी वही है, इसमें भी ए बी सी 2 बार आ रहा है, यानी ए प्लस बी प्लस सी 2 बार आ रहा है, 10। इसमें भी 10 2 बार आ रहा है। यहां से आप देखोगे, जब नीचे का फोटो दिखेगा ना, बिल्कुल दिखेगा,
रुक जा, अगर यहां से आप इसको ऐड करोगे, कैसे हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यहां से 100, यहां से 10 और यहां से 1। अरे ये तो फॉर्मूला आपने निकाल दिया। हाँ अब नींद खुली। ये 1 1 1। अब एक बात बतलाना, यहां से देखो, वन डिजिट का तो बात ही नहीं करें, वन डिजिट में कुछ एनालिसिस नहीं हो पाएगा। टू डिजिट का जब नंबर बना रहे थे यूजिंग दो डिजिट, तो इसमें इसमें किस तरह का रिजल्ट आया था, और थ्री डिजिट का करेंगे तब क्या है। अरे यार इतना कर नहीं करोगे तो भी सीख जाओगे, लेकिन सीखते सीखते सीखा के पास पहुंचोगे उससे पहले भूल जाओगे, मतलब एग्जाम के पास, डोंट टेक अदरवाइज। टू डिजिट के लिए क्या है, क्या था, ए प्लस बी, टू डिजिट का निकला है ना, ए प्लस बी इंटू 11। थ्री डिजिट का क्या था, ए प्लस जितना डिजिट रहेगा डिजिट का सम इंटू 1 1 1। तो ये तो कंफर्म हो गया, अगर फोर डिजिट रहता तो क्या लिखते, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जितना डिजिट रहेगा उसको सम कर देंगे और यहाँ कितना हो गया 1 2 3 4। अगर यही फाइव डिजिट रहता तब, तो जितना भी डिजिट रहता ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, मतलब पांचों अंक का सम और उसका 1 2 3 4 5, टू डिजिट का टू, थ्री थ्री, फोर का फोर, फाइव का फाइव। बोलो जल्दी से फॉर्मूला बताइए। ए थ्री डिजिट का था तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, टू, टू आया था। कितना लिखा हुआ था, थ्री डिजिट का था तो यहाँ पे टू लिखा हुआ था, फोर डिजिट का था कितना लिखा हुआ है, फोर डिजिट का तो आप किए नहीं, टू डिजिट का था तो यहाँ वन लिखा हुआ है। एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है पता है, ये दो ना लिख करके, थ्री माइनस वन का फैक्टोरियल है, और ये वन ना लिख करके टू माइनस वन का फैक्टोरियल है। ओके तो यहाँ पे कितना होगा, 4 - 1 का फैक्टोरियल होगा, और यहाँ पे 5 - 1 का फैक्टोरियल होगा। अगर n डिजिट है, अगर टोटल n डिजिट है तो सम ऑफ डिजिट लिखोगे, सम ऑफ डिजिट जितना भी डिजिट है उसका सम ऑफ डिजिट, जो n बार सम ऑफ डिजिट n है वो, इसको मल्टीप्लाई करोगे n माइनस वन का फैक्टोरियल से। देखो यार कॉन्सेप्ट सीखने और सिखाने में समय, ये 1 1 1 जितना अंक का रहेगा ना उतना बार n, n बार, ठीक। थ्री डिजिट का रहेगा तो तीन बार लिखोगे, फोर डिजिट का रहेगा तो चार बार, फाइव डिजिट का रहेगा, अगर यही फाइव डिजिट का रहा तो, फाइव माइनस वन कितना, फोर का फैक्टोरियल, जो भी पांच गो अंक रहेगा, जैसे 3 है 5 है 6 है 7 है और 9 है, इसको कर दिए। और उसके बाद 1 1 1 कितने बार लिखना है, पांच बार, ये पांच बार n बार, ये इसी में कंफ्यूज होता है, और यहाँ कम करता है तो यहाँ भी कम करने लगता है, वैसा नहीं होगा। नहीं कैसे बताया, कहीं से देख के बतला दिया, ऐसे करके मोबाइल निकाला, ऐसे करके ओ इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख के नहीं बताया, टाइम देख रहे थे। ओके ओके डी ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, अभी आने में टाइम है, किसी किसी को लग रहा होगा हाँ अभी तो न्यू ईयर गया ही है। दो डिजिट, अब क्वेश्चन बना के बतलाओ। तो ये देखो सम ऑफ डिजिट 1357, 1357 कितना, 4, 16 हो जाएगा, 16 और ये
चार है तो चार का एक कम कर दोगे, थ्री का फैक्टोरियल इंटू वन 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 कितनी बार, चार बार। उसके बाद अरे 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 उसके बाद ये सिक्स, सिक्सटीन को सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 96, 96 को 1111 से करोगे तब देखो 96 6 15, उसके बाद 16, उसके बाद फिर करोगे तो 16, उसके बाद तीन है ना तो उसके बाद एक 16 15 9 और 10। देखो तब देखो किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तब बतलाए थे वो अंक लिख के दो बार ऐड इसको इससे, अगर फिर अगर एक और एक है तो एक बार फिर ऐड करेंगे, एक और एक है तो फिर ऐड करेंगे और लास्ट में छोड़ देंगे इसी तरह से ना। बोलोगे ऐसे समझ में नहीं, आप खुद से भी करके देखो। ये चौथा बार था, चौथा बार किए हैं तब ये दस आया, ऑप्शन ये हो गया। खुद से भी बना सकते हो सम ऑफ ऑल द डिजिट फॉर्म बाय, एक क्वेश्चन लिख ही देता हूं, सम ऑफ ऑल नंबर फॉर्म यूजिंग डिजिट थ्री फाइव टू थ्री फाइव टेकन ऑल लेटर टाइम, सम ऑफ ऑल नंबर फॉर्म टेकन ऑल लेटर ऑल एट अ टाइम, सम ऑफ ऑल द नंबर फॉर्म यूजिंग डिजिट टेकन टू थ्री फाइव ऑल एट अ टाइम। हेलो हाँ 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 कॉल करता हूँ मैं आधा घंटा। सम ऑफ ऑल द नंबर फॉर्म यूजिंग डिजिट टू थ्री फाइव टेकन ऑल एट अ टाइम, जैसे ही एक बार ले लोगे वन टू थ्री एक ही बार में तीनों डिजिट ले लोगे तो कैसा संख्या बनेगा, थ्री डिजिट का, थ्री डिजिट का बनेगा, थ्री डिजिट का बनेगा। जैसे ही थ्री डिजिट का बनेगा तो एक कम कर दोगे कितना, थ्री माइनस एक का फैक्टोरियल। बोलोगे सर फॉर्मूला दिखाइए ना, नहीं बिल्कुल नहीं दिखाएंगे फॉर्मूला, छुपा के रखो मैंने, वन 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 थ्री डिजिट का तो तीन बार लिखते कितना, टू टू इंटू ए टेन इंटू वन वन वन। अब ये क्या हो गया, बोलो इस खुशी, देखो इसमें सम ऑफ ऑल था ना इसी तरह, इसीलिए ये बनाया, इसीलिए ये बनाया मैंने, सम ऑफ ऑल द यूनिट डिजिट करके पूछता था ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना है कुछ। देखो कुछ कुछ बच्चे को, कुछ कुछ दोस्त को, सखी सहेली को वैसे ही चीज पढ़ना पसंद आता है जो एकदम इजी इजी हो, थोड़ा डिफिकल्ट बना। बोलेगा ये तो सिलेबस में ही नहीं है, सिलेबस में सब सब चीज सिलेबस में। देखो मैथमेटिक्स इसीलिए पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, मैथमेटिक्स चीजों को किसी के बारे में फैसला लेने में थोड़ा इजी कर देता है, सामने वाला का बुद्धि सही से चल रहा है या नहीं, मानसिक स्थिति सही है या नहीं, ये चेक करने का एक तरीका है, बट दिस इज नॉट द ओनली वन वे, सिर्फ एक ही यही केवल तरीका नहीं। ये छोटा क्वेश्चन ये कैसे बनाओगे, जल्दी जल्दी एकदम चुपके से जल्दी जल्दी बना ले, देखो बनाने के लिए तो हम तुरंत तुरंत बना देंगे, एट का फैक्टोरियल यहाँ भी, एट का फैक्टोरियल यहाँ भी, एट का फैक्टोरियल यहाँ भी दिख जाएगा। बोले वो कैसे, एक स्टेप लिख देते हैं, नाइन इंटू एट का फैक्टोरियल, शायद इसका आंसर शायद शायद क्या कन्फर्म हंड्रेड ही आना चाहिए, टेन इंटू नाइन इंटू एट का फैक्टोरियल, देखो एट का फैक्टोरियल यहाँ से यहाँ से यहाँ से तीनों से कैंसिल कर दिया तो यहाँ कितना बना, वन बचा है यहाँ, वन बाई वन बचा है यहाँ, एक्स अपन कितना बचा है 90, टोटल कितना हो जाएगा 9 एक 10 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 90। देखो 9 से कट गया 10 टाइम्स तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 100, एक्स इक्वल टू 100। देखो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, थोड़ा तेजी से बनाइए, थोड़ा तेजी से बनाओगे तो स्टेप स्किप करना जरूरी है आपके लिए। अरे ये क्या हो गया, मुझे तो कोई दिखाई ही नहीं दे रही है, हाँ दिखाई दे रही है, अब यहाँ देखो
इसमें इसमें सर आंसर बतलाइए कितना होगा। एक्चुअली मेरे आंसर से क्या ही होगा, 8756। जिस क्वेश्चन को आप बना दोगे वही तो क्वेश्चन है, बाद बाकी सब आंसर। 6 factorial 6 factorial 6 factorial 1 यहाँ से 1/7 और कितना 8/7। थोड़ा स्पीड में बनाओगे तो ही अच्छी बात है। 7 से 7 कट गया तो कितना 64। ओ सर यू आर वेरी हैप्पी, आई एम आल्सो हैप्पी। एक्स इक्वल टू 64 आ गया, एक्स इक्वल टू कहीं गलत तो नहीं कर दिए, 7 6 8 7। अरे देखो यहाँ 1 + 1/7 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 8 × 7, तो 7 + 1 कितना 8 / 7। सही ही था वो भी स्टेप, 7 से 7 कट गया तो x इक्वल टू 64 यानी x इक्वल टू 64। दो कॉन्सेप्ट बतलाया ना मैं, एक फैक्टोरियल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो क्या है इम्पोर्टेंट फैक्टोरियल से रिलेटेड क्या है। जैसे जैसे कोई भी फैक्टोरियल आपके पास लिखा हुआ है, फैक्टोरियल स्टार्टिंग सही बता, जैसे 1 का फैक्टोरियल 1 बोल देते हो, 2 का फैक्टोरियल 2 बोल देते हो, 3 का फैक्टोरियल 6 बोल देते हो, 4 का फैक्टोरियल 24 बोल देते हो, 5 का फैक्टोरियल 120 बोल देते हो ना। अगर इसमें हम एक ऐड कर ले ना, अगर इसमें ऐड कर ले, 1 ऐड कर ले कितना हो गया, 2 हो गया, एक ऐड कर ले। पहले आप यहाँ तक समझो ना रिजल्ट क्या है, मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट पे लेके चलता हूँ। रिजल्ट n फैक्टोरियल 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर नंबर बिटवीन 1 एंड नॉन काउंटेबल हो गया यहाँ पे, नॉन काउंटेबल, नॉट काउंटेबल भी सही है, नॉन काउंटेबल या नॉट काउंटेबल भी चलेगा। कहने का मतलब अगर 3 का फैक्टर कितना है 6 प्लस 1 कितना हुआ 7 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर बिटवीन बिटवीन 2 4 फैक्टोरियल कितना होगा 24 + 1 कितना 25। ये कुछ कॉन्सेप्ट कुछ और था क्या, रुको रुको रुको, पहले ये रिमाइंडर वाला बता, इसको आप कुछ और ले, बिटवीन 2 एंड नॉट काउंटेबल, इसमें बताना कुछ और है, इसको होल्ड करते हैं इस, और एक है रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालने वाला क्वेश्चन, वो कैसे निकलता है, क्योंकि रिमाइंडर निकालने वाला मतलब जैसे 1 का फैक्टोरियल + 2 का फैक्टोरियल + 3 का फैक्टोरियल + 4 का फैक्टोरियल + 5 का फैक्टोरियल अप टू कहाँ जा रहा है 100 तक जा रहा है ना, 100 तक। इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है किससे, डिवाइडेड बाय 12। फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना होगा इसका, इसका रिमाइंडर कितना होगा। ऊपर वाले ने ये कुछ सोच के लिखा था मैं सुबह में, बट यहाँ पे कुछ मिस हो रहा, तो याद आएगा तो बता। ट्वेल्व आप ये बात बतलाओ जरा, 4 + 4 + 12 + 18 18 नहीं 16 + 20 अगर ये इसका सम में अगर 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा। अगर इंडिविजुअल कैंसिल हो रहा है, देखो इंडिविजुअल सारा एलिमेंट कैंसिल हो गया 4 से, मतलब रिमाइंडर 0 हो गया, क्यों पूरा पूरा कट रहा है। बोलोगे ऐसा तो है नहीं जो हम सम में डिवाइड देते चलेंगे, बिल्कुल नहीं, सम में डिवाइड देना है
कितना देर का रिकॉर्डिंग हो गया है, ज्यादा लंबा नहीं वीडियो बनाना है। ज्यादा लंबा वन का फैक्टोरियल वन, टू का फैक्टोरियल टू, थ्री का फैक्टोरियल सिक्स, और यहाँ के बाद देखो यहाँ का बाद में सारे में ट्वेल्व होगा, क्यों? ट्वेल्व जो बना है ना वो फोर और थ्री से बना है। जिस भी नंबर में फोर और थ्री होगा वो सारा का सारा नंबर कट जाएगा। जैसे फोर का फैक्टोरियल में फोर इंटू थ्री है ना प्रेजेंट, फाइव का इसके आगे सारे में फोर चार और तीन का मल्टीपल प्रेजेंट ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आगे में तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, जो रिमाइंडर होगा इसी के कारण होगा, छः दो आठ एक नाइन, यानी रिमाइंडर इसका कितना हो जाएगा, नाइन। समझ में आया? बोलो नहीं समझ में। देखो फाइव का फैक्टोरियल कितना होगा, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू का फैक्टोरियल, यहाँ भी देखो फोर ट्वेल्व मिल गया, उसी तरह सिक्स फैक्टोरियल में भी मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब ट्वेल्व फैक्टोरियल जितना भी चार से आगे का फैक्टोरियल होगा सारे में फोर इंच फोर इंटू थ्री दिख जाएगा, इसलिए रिमाइंडर जीरो हो जाएगा बाद बाकी के लिए। ये क्वेश्चन आप बनाओ तो मैं नहीं बनाऊंगा, बनाओ बनाओ, कुछ क्वेश्चंस में आगे का भी करा दो। एक कॉन्सेप्ट ये सीखो तो टॉसिंग अ कॉइन, अगर कॉइन टॉस करते हो तो उसमें अगर दो बार किस अगर वन बार कॉइन को टॉस करते हो वन टाइम्स पॉइंट को टॉस करते हो, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो मतलब कितना टोटल आउटकम टू है। दो बार करते हो तो टू टाइम्स, पहला बार किए तो कितना पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी, दूसरा बार भी किए तो दो पॉसिबिलिटी, मतलब टू पे पावर टू मतलब फोर। थ्री बार किए तो हर बार देखो दो दो दो, यानी आपस में डिपेंड करेगा तभी तो होगा, तीन बार यानी कितना टू पे पावर थ्री इक्वल टू कितना एट। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम व्हेन अ टेन टाइम्स एक क्वाइन को टॉस किया गया, टेन टाइम्स तो टू पे पावर टेन, 1024। अगर एन टाइम्स किया गया तो टू पे पावर एन, उसी तरह सिक्स डाइस का है, अगर वन बार किया गया तो सिक्स पे पावर वन, अगर दो बार किया गया तो सिक्स इंटू सिक्स, क्यों दो बार है ना, दो तो पहला बार के लिए सिक्स पॉसिबिलिटी, दूसरा बार के लिए सिक्स, इसीलिए सिक्स पे पावर टू कितना 36। तीन बार करेंगे तो सिक्स पे पावर थ्री, फोर बार करेंगे तो सिक्स पे पावर फोर, इसी तरह अगर एन बार करेंगे तो सिक्स पे पावर एन, पॉसिबल आउटकम निकालने के लिए। एक लाइन का क्वेश्चन एग्जाम में इजी था इसलिए मैंने बतला दिया, और ये याद रखना भी जरूरी, सम ऑफ डिजिट निकालने आना चाहिए। इसके बाद पहले कुछ क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, जैसे कल से रिलेटेड था ना, हाउ मेनी वे फाइव लेटर बी पोस्टेड इन फोर लेटर बॉक्स, पांच गो पत्र है लेटर है, अरे लेटर भी और चार गो लेटर बॉक्स, किसको किस में, लेटर बॉक्स को लेटर में रखोगे या लेटर को लेटर बॉक्स में रखोगे, लेटर को लेटर बॉक्स में रखोगे ना, ऐसे कर दो वन, देखो लेटर वन लेटर टू लेटर थ्री और ये लेटर, पहले लेटर के लिए कितना पॉसिबिलिटी, किसी भी लेटर बॉक्स में जाके गिरा दो, इसके लिए कितना पॉसिबिलिटी, चार चार तरीका है। क्या सेकेंड लेटर के लिए ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है, तो जिसमें चिट्ठी गिर गया उसमें दूसरा आदमी चिट्ठी नहीं रखेगा, बिल्कुल रख दो, तुम्हारा अगर आपका मन करे तो पांचों का पांचों चिट्ठी में से जाके रख दो, ऐसा उसके बाद लेटर बॉक्सिंग घर लेके चले, ऐसा नहीं। सेकेंड लेटर का भी पॉसिबिलिटी पर हाउ मेनी वेज कितना तरीका से रख सकते, इसके लिए भी वही है चार, इसके लिए भी चार, इसके लिए चार और इसके लिए भी चार, कितना फोर पे पावर फोर, यानी कितना फोर पे पावर फोर बोले तो 512। मुझे नहीं आता है, टू पे पावर एट का वैल्यू होता है 512, याद रखिए
नहीं, बचाओ, ऐसे नहीं होता है। अरे यार 5 लीटर है ना, तो अपना चार की कहा है बैठे हुए, या तो गलत हो गया यार, या तो सारा मामला गलत हो गया। ये भी मैं गलत बतला दिया, ये भी गलत बतला दिया, मैं तो सारा नहीं गलत। ये 4 लीटर, 5वां लीटर भी है, इसको भी रखोगे ना चार तरीका से, यानी टोटल कितना हो गया, 4 पे पावर 5। इस अब कितना हो गया, 2 पे पावर 10, यानी 2 पे पावर 10 10 से 24। ये 2 पे पावर 9 का वैल्यू 512 होता है यार, ऐसे में तुम तो वीडियो क्लिप बना दोगे मेरा। ये देखो तो इस टाइप का क्वेश्चन कल कर रहे हैं, 12 पॉइंट लाइन ऑन अ सर्किल हाउ मेनी साइक्लिक क्वाड्रेटरल। साइक्लिक क्वाड्रेटरल कहने का मतलब, साइक्लिक क्वाड्रेटरल वैसे क्वाड्रेटरल कहते हैं जिसका जिसका सभी वर्टेक्स सर्कल पे, जिसका सभी वर्टेक्स सर्कल पे, ऐसे करके। ठीक समझ गए ना, ऐसे नहीं छोटा सा ऐसे कर दिया, ऐसे करके ऐसे कर दिया, ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल है। साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रेटरल जिसका, आप लिख लो, जिसका सभी वर्टेक्स सरकमफ्रेंस पे हो, जिसका सभी वर्टेक्स सरकमफ्रेंस पे। गुलाबी 12 C क्या निकालना है, क्वाड्रेटरल ना, 12 C4। 12 C4 का वैल्यू 12 × 11 × 10 × 9 × 8, 8 से तो कट ही जाएगा। उसके बाद 4 का फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 = 12। उसके बाद कितना होगा, यहाँ 2 से कट गया 5, यानी 45 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 594, 495। 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, 5 लिख दो, उसके बाद डिजिट आगे आगे की तरह ऐड कर दो। जैसे जैसे इसको 11, इसको 11 से ऐड मल्टीप्लाई करना, कैसे, 2 लिख दो, उसके बाद आगे ऐड करते जाओ, 7 आगे ऐड करते जाओ, 8 आगे ऐड करते जाइए, 5, और लास्ट में 2 बच गया तो उसको 2 लिख दो, 2 के आगे में कुछ नहीं तो 0। इन अ पैरेललोग्राम विल बी फॉर्म फ्रॉम 7 पैरेलल हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन। ये कैसे बनाएंगे, पैरेललोग्राम कैसे होता है, 7 cm × 7 cn करके ये फॉर्मूला था ना, 10 मिनट और 7 c² × 6 c² ये कैसे बनेगा, 7 × 6, 5 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 6 × 5, 3 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स, कितना हो जाएगा, ध्यान ना पूछे, 45 मिनट 35 सेकंड, 315। इस तरह से बनाओगे ना, और क्वेश्चन करवा दो, और क्वेश्चन करा दो। ए पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल देन द, ये तो उल्टा कर दिया मैं, ये क्वेश्चन इसके दिया ही हूँ। 44 डायगोनल है ना, डायगोनल का कल भी बोले थे, जो संख्या लिखा रहेगा उसमें उसमें 3 कम कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यही ना, इक्वल टू कितना है, 44। ये n × n-3 = ये क्वेश्चन लिखने का क्या जरूरत था, आप ऐसे मत करना। अगला स्टेप अगर आप ये सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत दिशा में हो, अगर ये स्टेप सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत दिशा में हो। खुश हो गया ऐसे करके, और इसको तो मैं फैक्टराइजेशन कर ही लूंगी, ऐसे लिखोगे ऐसे करके बस। हो सकता है आप ऐसे करके बना भी लो, आंसर निकाल भी लो, निकालोगे क्यों नहीं यार, n-11+, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, एन यहाँ से n-11, यानी n = या तो 11 होगा, नहीं तो n = -8 होगा, -8 होगा तो 11। अब मेरे मेरे इस तरह से बनाओ, अगली बार से इस तरह से बनाओ। ये क्या है, n और n-3, मतलब 3 का अंतर है, 88 को भी 3 का अंतर पे तोड़ दो, 11 × 8। बी प्रैक्टिकल, बड़ा और छोटा, पहले बड़ा लिखेंगे और उसके बाद छोटा लिखेंगे। ये दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, क्यों, इसमें 3 कम है ना, 3 कम है तो ये छोटा हो गया, तो बड़ा को बड़ा के साथ, छोटा को छोटा के साथ, n = 11, इसके साथ भी कंपेयर करोगे तो वही होगा, इसीलिए ये लाइन जैसे ही लिखोगे तो डायरेक्ट ये लाइन आ जाना चाहिए। ठीक, ये है अपने जगह पे सही है यार,
ये सीख लो सीख लो, कितना लोग ये किए भी होंगे, नहीं किए होंगे तो याद कीजिए। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है एन इंटू एन माइनस टू, और इधर कितना लिखा हुआ है आपका, कितना लिखा हुआ है, 4 24 लिखा हुआ है। एन का वैल्यू पूछेगा तब, दो का अंतर है ना, दो का अंतर है तो ये कितना कर दोगे, 6 × 4, यहाँ एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। दियर 7 नॉन कोलिनियर पॉइंट हाउ मेनी ट्रायंगल, ये कैसा है, नॉन कोलिनियर है तो डायरेक्ट 7C3 निकाल लो, कोलिनियर रहता तो माइनस कर लेते, 7C3 का कहने का मतलब 7 × 7 × 6 × 5 × 4, 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल यानी 6 यानी 30। ये बनाओ, ए लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स ईच मार्क्ड विद 6 डिफरेंट इक्वल लॉक है, इसको क्या बोलते हैं, लॉक, ऐसे ऐसे ठीक। टोटल कितना है, 6 डिफरेंट लेटर है, जैसे ए बी सी डी का, ए बी सी डी अल्फा बीटा और कुछ करके गामा डेल्टा, ऐसे करके 1 2 3 4 5 बहुत सारा, 6 है ना, अल्फा बीटा 1 2 3 4 5, इसी समय से कोई भी लेटर है। अब इसको लॉक लगाना, बोलो ई को नहीं, भी सी डी का लेटर है, फटाफट आ गया, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी एफ जी से निकली, कहाँ गई, कितना 3 है ना, तो इसके लिए कितना पॉसिबिलिटी है, 6, इसके लिए कितना पॉसिबिलिटी, 6, इसके लिए भी कितना पॉसिबिलिटी, 6, यानी 6 पे पावर 6 कितना हो जाएगा, 216। बोलो गैस ठीक कैसे, अरे लॉग भाई ये भी हो सकता है, ए ए ए बी 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 भी, मतलब रिपीटेशन अलाउड है, मतलब पहले वाले के लिए कितना, देखो टोटल 6 था उसमें से 6p3 यानी फैक्टोरियल 6 × 5 × 4, 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 6 × 5 × 4 ये क्या, ये तो ओफ 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 ओफ, यही मिस्टेक बच्चा करते हैं, हाँ बहुत खुद गलती करके बच्चा का नाम फंसा रहे। ना 120 ऐसे नहीं, क्यों, इसमें रिपीटेशन वाला हट गया, ये सब वाला लॉक हट गया, क्या लॉक ये भी लगा सकते हो ना, रिपीट वाला, किसी का नाम पुष्पा राज है तो पी 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 लगा ले, किसी का नाम आर आर है तो ऐसे करते आर आर, राजकुमार राय, राघवेंद्र, तो व्हेन 4 पेयर डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली इन हाउ मेनी वेज आउटकम विल बी एटलीस्ट वन ऑफ दैट डाइस, कम से कम एक को 3 शो कर दे, 1 2 3 ठीक, साइमल्टेनियसली तो पहले बात है तो सबके लिए 6 6, इसमें से कौन सा माइनस हो जाएगा, जब जब तीनों में 3 3 आया होगा वो वाला माइनस हो जाएगा, तो इसके लिए कितना 5, इसके लिए भी 5 और इसके लिए भी 5, मतलब 6 पे पावर 6 में से 6 पे पावर 3 में से 5 पे पावर 3 माइनस हो जाएगा। चार चार डाइस है यार, एक और डाइस, यानी 6 पे पावर 4 में से 5 पे पावर 4 माइनस हो जाएगा, क्यों, एटलीस्ट कम से कम एक में रहना ही चाहिए, तो एक में है ही नहीं, इस तरह से कर दोगे आंसर, इसको सोचना। ये हैंडशेक वाला क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में भी डाला था, हैंडशेक, हैंडशेक तो कहने का जैसे कोई आदमी है ऐसे करके, स्त्री पुरुष कुछ कोई भी हो सकता है ऐसे, ये हैंडशेक करेंगे तो इनका हैंड और इनका हैंड मिलके कितना 1 हैंडशेक कहलाएगा, ठीक, अगर कोई आदमी है तो अपने आप से हाथ तो मिलाएगा नहीं, किससे मिलाएगा, दूसरे से, किससे मिलाएगा, दूसरे से, तो मतलब टोटल पीपल 11 थे तो कितना, 12 थे तो कितना, 11, 2 हैंडशेक मिलके 1 हैंडशेक बना है, इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 66 आ गया। इतना लोग सोच रहे हैं 1 मिनट 12C2 लगा लेते हैं,
12 से 12 इंटू 11 इंटू 10, 10 तो फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अरे यार कुछ दो का फैक्टर दो से यहाँ सिक्स इक्वल टू कितना 66। थोड़ा स्पीड में बनाया कीजिए। कमिटी ऑफ 5% टू फ्रॉम 6 मैन एंड 2 वेमेन, हाउ मेनी वेज कैन बी डन व्हेन एटलीस्ट 2 वेमेन, दो वेमेन को इंक्लूड करना ही करना है, कितना 5। कम्युनिटी 5 टोटल होना चाहिए जिसमें से दो वीमेन, एक वीमेन हो गया और आगे मैन हो गया, टोटल कितना रहना है 5। मतलब कम से कम दो है, दो हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है ना, यही पॉसिबिलिटी है ना। जब ये रहेगा तो ये कितना 3, ये रहेंगे तो 2, ये रहेंगे तो 1 और ये रहेंगे तो 0। वीमेन का संख्या कितना है, मैं वीमेन का 4 है, तो 4 तक ही काउंट करोगे ना, हटा दिया। और मैन कितना है, मैन 6 है, सही है। पहला का देखो तो ऐसे करके 4C2 इंटू 6C3, ये कंप्लीट हो गया, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। तो उसके बाद क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये तरीका निकाला है ना, प्लस 4C3 6C2 प्लस, ये डिपेंड नहीं, पांच आदमी चुना गया ना, पांच आदमी चुना गया, चुना नहीं लग गया, इसी को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर और लीडिंग बी एर एन सच एज वोवेल ऑलवेज कम टुगेदर, एक साथ आना चाहिए। वोवेल को लिखो ई ए आई, एल आगे लिख दो, डी एन जी, एल ई ए डी आई एन जी, टोटल कितना हो गया, ये 4 यूनिट। जब भी आप यूनिट लिखते हो, कोई कोई बच्चे नोट्स बनाते हैं उनके लिए, जब भी आप इसको यूनिट की तरह कंसीडर करते हो, अब यहाँ लाइनिंग कर दो 1, 2, 3, या अब हुआ 3 यूनिट और ये 1 यूनिट, ये बात समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा, तो टोटल यूनिट कितना हो गया, अब लाइनिंग करना जरूरी, तभी तो 1, 2, 3 यूनिट हुआ, 3 नहीं 4 है, 4 यूनिट, 4 प्लस 1 कितना 5 फैक्टोरियल, रिपीट भी कर रहा है नहीं कर रहा है, पर इसको तो आपस में करोगे ना, भोवेल तो आपस में इंटरचेंज हो ही सकता है, यानी 3 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 120 इंटू 6 कितना 720, ये तो ऑप्शन में है। अब ये देखो, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वोवेल, हाउ मेनी वर्ड ऑफ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल कैन बी फॉर्म, 7 कॉन्सोनेंट है, यानी 7 कॉन्सोनेंट कितना 3 सिलेक्ट करना, और 4 वोवेल, 4 वोवेल में से कितना 2 सिलेक्ट करना है, 7C3 7 इंटू 6 इंटू 5, और ये 3 का फैक्टोरियल यानी 6 ऐसे करके कैंसिल करो, 4 का फैक्ट 4 इंटू 3 2 का फैक्टोरियल 2 6, 35 इंटू 6 कितना हो गया, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वोवेल, हाउ मेनी वर्ड ऑफ 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल कैन बी, चौपन 30 और 210 आ रहा है। अब क्या हो गया, हाउ मेनी वर्ड भी तो पूछ रहा है, 3, 2, 5 यानी जो वर्ड बना है वो 5, ये तो सिलेक्शन से हुआ ना, परम्यूटेशन 5 वर्ड का है, तो 1, 2, 3, 4, 5 तो इसको कितना 5 फैक्टोरियल से अरेंज करोगे, वर्ड बनाने के लिए ये दोनों आपस में डिपेंड करेगा, इसलिए 210 को 5 फैक्टोरियल यानी 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 240 प्लस 30 प्लस 252 करके 21 का 252 जीरो रैंक देखो, सम ऑफ डिजिट भी बतला दी, ये भी क्वेश्चन बतला दिए, इस टाइप का क्वेश्चन आप फॉर्मूला वैसे दो, फैक्टोरियल एन लिखोगे और एन माइनस फाइव का फैक्टोरियल लिखोगे, ठीक,
और यहाँ पे 42 मल्टीप्लाई में n का फैक्टर और नीचे में n माइनस 3 का फैक्टर है, तो जल्दी 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 बनाना होगा। ऊपर में देखो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, हालांकि ऑप्शन दिया रहता है तो आसानी से बन जाता है। 5 है तो 5 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, 42 n लिखा हुआ n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 वाला कैंसिल हो जाएगा। आ रहा हूँ इससे ये कैंसिल हो, n माइनस 4 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और n कहीं मिस हो रहा है क्या, बनाना तो इसको कहीं मिस हो रहा है कि ये नहीं मिस, इसमें भी आप फॉर्मूला लगाओगे तो बन जाएगा, इसका भी वही है। ये कैसे, बना दे फैक्टोरियल 5 है और 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल 6 है और ये 7 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये तो फैक्टोरियल 5 है तो उधर से कट जाएगा, ये 5 माइनस आर 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल और ये 7 माइनस आर, एक कम करोगे तो 6 माइनस आर, एक बार और कम करोगे तो 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये से ये कैंसिल, 5 फैक्टोरियल से ये कैंसिल, यानी 7 माइनस आर इक्वल टू 6 माइनस आर इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर कमेंट करके बताना। एक बार रैंक वाला टेस्ट निकाल, जैसे डिक्शनरी में कोई वर्ड लिखते हो रैंक, जो किसी भी वर्ड का रैंक निकालना होगा तो सबसे पहले उसको अल्फाबेटिकली लिख लेना है। जैसे दिनेश लिखा होगा अल्फाबेटिकली, कैसे आप लिखना स्टार्ट करो, डी लिखो थोड़ा स्पेस दे के, आई लिख दो, एन लिखो, डी के बाद ई आएगा, ई लिखो, उसके बाद एम एन एस लिखो और एच कहीं यहाँ पे आएगा, इस तरह से अल्फाबेटिकली लिखना सीखो पहले। कहीं पे पुष्पा लिखा है, पी पुष्पा, तो पहले क्या स्टार्टिंग कहीं से करो, पी लिखो, पी क्यू आर एस टी यू, पी पी दो बार है तो ऐसे कर लिखो, ए यहाँ लिखो, ठीक, समझ गए ना ये कैसे लिख पा रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन एक दो और बतला देता हूँ, जैसे फ्लावर एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, पहले काम इसको अल्फाबेटिकली लिखना है, क्यों, डिक्शनरी में कोई भी वर्ड अल्फाबेटिकली ही लिखा रहता है। आप स्टार्टिंग कर दो एफ से, थोड़ा स्पेस देके एफ एल, एफ एल कहाँ होगा, एल, एल के बाद ओ होगा, ओ के बहुत आगे डब्ल्यू होगा, उसके बाद ई होगा, उसके बाद आर, आर एस टी एल एम एन ओ पी क्यू आर, इस तरह से फ्लावर। देखो मैं जो बतला रहा हूँ उस पर ध्यान देना, जैसे ये वर्ड सचिन, सचिन अगर डिक्शनरी में पॉसिबल एरेंज से अगर बनाया गया हो, देखो पहले इफ द लेटर ऑफ द वर्ड सचिन आर एज इन ऑल पॉसिबल वेज एंड दीज वर्ड्स आर रिटन आउट एज इन डिक्शनरी देन द वर्ड सचिन अपीयर्स एट अ सीरियल नंबर। देखो ये जो सचिन वर्ड लिखा हुआ है, इस यही लेटर से एक डिक्शनरी बनाया जा रहा है जिसमें ए भी हो, ए एस भी हो, ए भी हो, सी भी और एच, और इससे जितना भी वर्ड बनेगा ना, 1 2 3 4 5 6 लेटर से जितना भी वर्ड बनेगा उससे डिक्शनरी बनाया गया 6 लेटर का। ऐसा नहीं आप पहले ए ए फॉर एप्पल वाला मत लिख देना, पी है ही नहीं इसमें, तो इससे एक डिक्शनरी बनाया गया। तो आपसे पूछ रहा है सचिन कितने नंबर पे आएंगे, सचिन कितने नंबर पे आएंगे, ठीक। तो पहला जो
पहला जो होगा वो किससे स्टार्ट होगा, पहले अल्फाबेटिकली अरेंज कर देंगे, एस ए सी एच आई एन, है ना, अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो पहले किस तरह से वर्ड बनेगा, पहले अल्फाबेटिकली अरेंज कीजिए आप उसको, जैसे ऐसे बनेगा, एस लिख लिए ये तो बहुत पीछे हो, सी होगा, एच यहाँ पे होगा, आई यहाँ पे होगा, एम एन ओ एन यहाँ पे होगा और एस यहाँ पे होगा, ठीक। पहला जो वर्ड बनेगा वो किससे स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग विथ जो ए से स्टार्ट है, दूसरा सी से स्टार्ट होगा, तीसरा जो एच से स्टार्ट होगा, चौथा जो आई से स्टार्ट होगा, पांचवा जो एन से स्टार्ट होगा, उसके बाद एस आएगा, उसके बाद एस आएगा। अगर ए से स्टार्ट कर देते हो तो आगे का कितना वर्ड बचा, एक दो तीन चार पाँच, टोटल सिक्स था, टोटल वर्ड के टोटल लेटर कितना है, टोटल सिक्स है, जिसमें से ए हो गया। अब इसी को आगे पीछे कर सकते हो ना, फाइव वर्ड, फाइव वर्ड को कितना तरीका से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल फोर फाइव यानी 120, इसका भी वही बात है, फाइव वर्ड फाइव लेटर, फाइव लेटर, तो ये भी फैक्टोरियल फाइव यानी 120, इसी तरह इसका भी 120, इसका भी 120, इसका भी 120, टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही है ना, गलत तो नहीं है, 600। अब एस से स्टार्ट, एस के बाद क्या आएगा, अल्फाबेटिकली देखो, एस काट दो आप, अल्फाबेटिकली देखो, एस लिख दिया, अल्फाबेट एस के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, तो सही है, ए अपने आप को चाहिए भी चाहिए, ए आ गया, उसके बाद अल्फाबेटिकली में सी है, ये भी चाहिए, आ गया, एच जैसे ही अल्फाबेटिकली आगे का लेटर करोगे ना तो सचिन आ ही जाएंगे, तो यानी प्लस वन, तो सचिन का रैंक कितना हो गया, 601। आप अपने अपने नाम को का रैंक निकाल सकते हो, अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है, अगर कोई लेटर यहाँ यहाँ वाला लेटर में अगर कोई लेटर दो बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तीन बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसको उतना फैक्टोरियल से क्या दे देंगे, डिवाइड दे देंगे, ठीक। जैसे ये अपना रैंक है, आर ए एन के रैंक का डिक्शनरी में कितना हो, अल्फाबेटिकली अरेंज कीजिए, आर तो आगे चला जाएगा, ए यहाँ चला जाएगा, एम एन ओ, उसके बाद एम एन के एल एम एन, है ना, के एल एम एन, अल्फाबेटिकली हो गया, पहले जो बनेगा वो स्टार्ट विथ ए, ए से स्टार्ट होने वाला कितना, यहाँ पे कितना वर्ड बच गया यार, तीन वर्ड बच गया, तीन लेटर, यानी फैक्टोरियल सिक्स, फैक्टोरियल थ्री, यानी टोटल कितना, सिक्स, के से स्टार्ट होने वाला, एन से स्टार्ट होने वाला कितना, ये भी थ्री लेटर यहाँ है, फैक्टोरियल थ्री यानी सिक्स, एन वाला भी सिक्स हो जाएगा, ठीक। अब आगे जो आएगा, अब अगला जो आएगा अल्फाबेटिकली देखिए, ए भी आ गया, के भी एन हो गया, अल्फा अगला कितना आएगा, आर, आर के बाद अल्फाबेटिकली देखिए ए आना चाहिए, सही है, ए के बाद कितना, के वाला आना चाहिए, लेकिन अपना के लिख दियो तो कितना, अब बचा एक एन और आर, ये आएगा या आर ए, अगर एन पहले आ गया तो के आएगा, आर आएगा, लेकिन एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, तो छेत्री का 18, 19, 20। अब दीक्षा का भी निकाल सकते हो, फ्लावर का भी निकाल सकते हो, कैसे, फ्लावर को अल्फाबेटिकली लिखो, अल्फाबेटिकली कैसे लिखोगे, एफ एल थोड़ा आगे लिखो, ओ डब्लू ई और आर कहाँ पे लिखोगे, आर, आर यहाँ पे लिखा है, देखो ई से स्टार्ट होने वाला, जो ई से स्टार्ट होगा, एफ, एफ मिल गया, सही है, एफ मिल गया, ई से स्टार्ट होने वाला कितना, 1 2 3 4 5, यानी फैक्टोरियल 5 कितना, 120। एफ से स्टार्ट होने वाला, एफ के बाद क्या आना चाहिए, एल, आर आर,
ओ एफ एल ओ उसके बाद आर आ जाए, एफ एल ओ आर आ जाएगा। आर से टोटल वर्ड कितना था, तीन, तीन छः, टोटल वर्ड कितना था, सिक्स, चार आ गया, यानी दो का फैक्टोरियल। दो का फैक्टोरियल अब आएगा एफ एल ओ, आर आ गया डब्लू। अरे गलत हो गया ना, गलत हो गया, गलत हो गया, थोड़ा इंतजार से, इंतजार से। एफ ई हो गया, ये एफ लिख लिया, उसके बाद कैसे होगा, एफ से स्टार्ट होने वाला ये कितना होगा, एफ के बाद कितना ई आएगा, ई के अभी भी कितना हो गया, चार, चार फैक्टोरियल कितना, चौबीस। एफ एल ओ एफ एल ओ आ रहा है, सही है, वो चाहिए भी। उसके बाद एक आएगा आर और एक डब्लू, एफ दो, दो चार, दो छ, एफ दो, एफ एल, एफ एल, यहाँ पे फिर गलती हो गया, टूट, ये यहाँ पे ई आएगा। अब कितना हो गया ये फैक्टोरियल थ्री, यानी सिक्स। एफ एल ई के बाद क्या आएगा, एफ एल ओ, उसके बाद ओ एफ एल ओ, उसके बाद ई के बाद कितना आएगा, दो फैक्टोरियल, यानी दो। एफ एल ओ डब्लू ई, ये सबको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, छ चार दस, दस दो बारह, एक तेरह, एफ एल ओ डब्लू ई आर, फ्लावर, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है यार, पांच चार तीन दो एक, पांच चार तीन दो एक, एक मिनट, पांच चार तीन दो एक, सबको ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, छह दो आठ, आठ एक नौ, नौ चार तेरह, यानी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट ऐड कर लेते हैं, एक सौ बीस कितना हो जाएगा, एक सौ बीस है, चौबीस, खाने के लिए बुला रहा है, तब से खा जाएगा, तब क्या करेंगे, छः 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 दो आठ, एक सौ वन फिफ्टी फाइव, दो फैक्टोरियल, एक और बीच में यहाँ पे हुआ, दो फैक्टोरियल, एफ एल ओ डब्लू, दो फैक्टोरियल, उसके बाद होगा वन, ये सब को ऐड करोगे तो 155 हो जाएगा, फ्लावर का रैंक है। इसको कमेंट सेक्शन में मैं अच्छा से बना कर मैं बतला दूंगा, अभी मेरा ध्यान है खाने पे, कब से बुलाना है। इस तरह से रैंक निकालना सीख गए, सम ऑफ डिजिट सीख गए, देखो आज ये अपना लास्ट क्लास था, इसलिए मैंने सोचा कुछ डिटेल में बता दूं, थोड़ा टाइम लगे तो लगे। ओके बाय, एक घंटा होने ही वाला है, थोड़ा एंड कर दूं। कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए आपको, तब तक के लिए ओके बाय, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।